सवाल है कि बिस्मिल्लाह नाम रखना कैसा है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह नाम रखना कैसा है? अक्सर ऐसा होता है, पहला बच्चा या बच्चे पैदा होते हैं तो उसका नाम बिस्मिल्लाह रखते हैं। ऐसा होता है, बाज़ जगह हमने देखा, पहला लड़का, पहली लड़की का नाम बिस्मिल्लाह, और आमतौर पर लड़की का नाम रखते हैं बिस्मिल्लाह। लड़के का मैंने कम सुना है, लड़की का सुना है ज़्यादा बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन नाम का सबूत नहीं है। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्लाह के नाम से पढ़ता हूँ, अल्लाह के नाम से खाता हूँ, अल्लाह के नाम से वज़ू करता हूँ। बिस्मिल्लाह जिसके सामने पढ़ते हैं, जिस काम से पहले पढ़ते हैं, उसके बाद वो काम शुरू करते हैं। माने के लिहाज से बिस्मिल्लाह इस माने में कुछ भी मतलब नहीं रखता है, लिहाजा ऐसे नाम रखना चाहिए जिसका कुछ भी माना मतलब हो, वैसे नाम रखना चाहिए। अगर किसी ने रख दिया है तो ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसके शिर्क नहीं है उसके अंदर, कोई गलत माना नहीं है, लेकिन ऐसे नाम रखना चाहिए कि जिसका कोई माना मतलब हो। लिहाजा बिस्मिल्लाह अगर किसी ने रखा है नाम, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बदल दो, नाजायज़ है। ये कहना चाहते हैं कि अगर रख दिया है तो रख दिया है, लेकिन आइंदा सोच समझ के नाम रखना चाहिए कि बिस्मिल्लाह हम रख सकते हैं क्या। नाम रखने में बहुत सारी बिदअतें हैं। बाज़ लोग कुरान खोल के उसमें नाम देखे, नाकतुल्लाह, बेटी का नाम रख दिया नाकतुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी। क्या मतलब अल्लाह की ऊँटनी? एक साहब थे हमारे, मौलाना अजीज़ अहमद नदवी साहब, उनका नाम रख दिया बैतुल्ला यानी काबा। नदवा पढ़ने गए, जहाँ भी बैठते तलबा आके सात चक्कर लगा के बैठते, अब वो समझे नहीं बहुत दिन तक। बाद में मालूम हुआ कि ये माना है, जाके मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब से कहा कि देखिए ऐसे हो गया, तो उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम बदल दो, बैतुल्ला के बजाय अजीज़ अहमद रख लो। ऐसे किसी ने अपने बच्ची का नाम रखा हुन्नज, कहाँ जिया, कहा कुरान में है जा रही, वह हदई ना हुन्नज देन, हुन्नज पकड़ लिया उसको। ये सब क्या तरीका है? इसलिए नाम अगर समझ में नहीं आता है तो किसी आलिम से पूछ लेना चाहिए नाम रखने से पहले कि ये नाम रख सकते हैं क्या। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बाज़ बच्चों का नाम रखे, जैसे मुनज़िर, कहा कि इसका नाम मुनज़िर रखो, अल्लाह के रसूल भी नाम रखते थे। लिहाजा बेहतर होगा ऐसा नाम रखा जाए जिसका कुछ माना मतलब हो, उसका ख्याल करना चाहिए। लतीफ़े के तौर पर मैं ये भी कह दूँ, एक आदमी का नाम था रहमतुल्ला, अब उसकी शादी हुई। हिंदुस्तानी कल्चर में तो ऐसा है कि शौहर का नाम लिए तो तलाक हो जाती है। अब ये लड़की नमाज़ पढ़ ली दो रकात, अब सलाम फेरना है, अस्सलाम वालेकुम, अब रहमतुल्ला बोलेगी तो तलाक हो जाएगी ना। बैठ गई बेचारी, क्या करें क्या करें, आखिर में कहा अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा, अस्सलाम वालेकुम मुन्ने के अब्बा। ये भी गलत मसला है कि शौहर का नाम लेने से तलाक हो जाती है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला ने कहती से अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा जब तुम मुझसे खुश रहती हो तो मुझे मालूम, जब नाराज़ होती हो मालूम। कैसे अल्लाह के रसूल खुश रहती है तो कहते मोहम्मद के रब की कसम, और जब ज़रा नाराज़ होती है तो कहा इब्राहिम के रब की कसम। ठीक बोले अल्लाह के रसूल। हज़रत आयशा अपने प्यारे रसूल का नाम अपने शौहर का नाम लेती थी, उम्र में कितना फ़र्क था। शौहर का नाम लेने से निकाह नहीं टूटता, गलत मसला है, जाहिलों का मसला है। बहरहाल नाम रखने में अच्छे नाम रखें तो बेहतर है, अल्लाह तौफीक दे।